जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था। सारे पक्षी अपने अपने घर बनाने की तैयारियों में लगे थे। जंगल के सारे पक्षी बहुत गरीब थे। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा काफी अमीर था। बरसात का मौसम तो आने ही वाला है, बस अब इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा अपनी फसल बेचकर। कालू जी आप कुछ भी कहें, परंतु इस बार तो मैं सोने का एक बड़ा सा हार लेकर ही रहूंगी। अरे हाँ हाँ, ले लेना सोने का हार, मेरा परिवार तुम सभी तो हो। कालू कौवा चाहता था कि जंगल में इस बार जल्द से जल्द बारिश हो जाए, जबकि पक्षी तो अभी तक अपने घरों की तैयारियों में लगे थे। पक्षियों, मैं रोज रोज जिस तरह का मौसम देख रही हूँ, मुझे तो लगता है कि शायद बादल भाई इसी हफ्ते हमारे जंगल में बारिश कर देंगे। अरे शुभ शुभ बोलो मीनू चिड़िया, अभी तो हम सब पक्षी अपने घर बना रहे हैं, अगर बारिशें हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ मीनू चिड़िया, हमें अपने पक्के घर बनाने में कम अज कम एक हफ्ता तो जरूर लगेगा। हाँ तुम सब पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम पक्षियों को बादल भाई के पास जाकर एक बार तो उनसे जरूर बात करनी होगी कि वे एक हफ्ते के बाद ही हमारे जंगल में बारिश करें। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, हमें जल्द से जल्द बादल भैया के पास जाकर उनसे बात करनी होगी। तोते तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों अभी बादल भैया के पास जाते हैं बात करने। बस फिर तोता और मीनू चिड़िया फौरन बादलों के पास चले जाते हैं। सारे बादल पानी पीकर बिल्कुल काले काले हो रहे थे। अरे पक्षियों क्या बात है, कैसे आना हुआ आज? बादल भाई हम पक्षियों को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो मीनू चिड़िया क्या बात है? बादल भाई हम जानते हैं कि आप सब बादलों ने पानी पिया हुआ है, आप सब बस हमारे जंगल में बारिश करने ही वाले होंगे, परंतु अभी हम सब पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं, कम से कम हमें एक हफ्ता और चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम एक हफ्ते के बाद आप आकर हमारे जंगल में बारिशें कर दें। अरे भाई मीनू चिड़िया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, वरना हम बादल तो इसी हफ्ते तुम्हारे जंगल में बारिश करने वाले थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बादल आराम से अगले हफ्ते ही तुम्हारे जंगल में बारिश कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। फिर वे दोनों पक्षी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश के लिए बेचैन हो रहा था। आज भी नहीं हुई बारिश, आखिर ये सारे बादल क्या कर रहे हैं? अब मुझे इनकी खबर लेने इनके पास ही जाना होगा। फिर कालू कौवा भी बादलों के पास चला जाता है। बादल भाई आप सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी फसल लगाई है, मैं कब से बारिश होने का इंतजार कर रहा हूँ, परंतु आप सब बादल हैं कि हमारे जंगल में बारिश ही नहीं कर रहे। अरे भाई कालू कौवे मेरी बात तो सुनो, हम बादल तो इसी हफ्ते करने वाले थे तुम्हारे जंगल में बारिश, परंतु मीनू चिड़िया और तोते ने आकर हमें मना कर दिया कि हम अभी बारिश ना करें और अगले हफ्ते ही हम तुम्हारे जंगल में बारिश करें, क्योंकि सब पक्षी अभी अपने पक्के घर जो बना रहे हैं, बस इसीलिए अब तुम्हारे जंगल में अगले हफ्ते ही होगी बारिश। बादल भाई मैं कुछ नहीं जानता, छोड़े पक्षियों को, आप बस हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे फायदे के लिए सब पक्षियों का नुकसान नहीं कर सकता, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। बस फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से वापस चला जाता है। ये सब कुछ सिर्फ मीनू चिड़िया का किया धरा है, परंतु मेरा नाम भी कालू कौवा है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगले दिन कालू कौवा बादल की पत्नी के पास आता है। बादल बहन मेरी बात सुने, आपको अभी मीनू चिड़िया बुला रही है, शायद उसे कोई जरूरी बात करनी है आपसे। कालू कौवे अगर मीनू चिड़िया को मुझसे कोई बात करनी है तो यहाँ क्यों नहीं आ रही? बादल भाई मीनू चिड़िया और पक्षी अपना घर बनाने में मसरूफ हैं, आप बस अपनी पत्नी को मीनू चिड़िया के पास जाने दें। ठीक है पत्नी जी, तुम चली जाओ मीनू चिड़िया के पास, परंतु जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि हमारा बेटा खेलकर जब वापस आएगा तो वे तुम्हारे बारे में पूछेगा। बस फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बादल की पत्नी को अपने साथ ले जाता है और अपने घर की तरफ ले आता है। फिर रानी कौवी अचानक उस बादल पर एक बड़ा सा जाल फेंक देती है और बादल की पत्नी उस जाल में फंस जाती है। अरे अरे ये क्या, कालू कौवे निकालो मुझे इस जाल से, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। रानी बहुत बढ़िया काम किया तुमने, बादल बहन अब तुम इसी जाल में कैद रहोगी जब तक के मेरा काम नहीं हो जाता। कालू जी अब आप क्या करने वाले हैं ये तो बताएं। बादल बहन अब मैं मीनू चिड़िया पर तुम्हें कैद करने का इल्ज़ाम लगाऊंगा और बादल भाई गुस्से में आकर हमारे जंगल में जोरदार बारिश कर देंगे।
बहुत दुष्कौवे हो तुम, देखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर कालू कौवा कुछ देर बाद बादल के पास आता है। अरे अरे बादल भाई, गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ है। अरे क्या हुआ है कालू कौवे, क्या गजब हो गया? बादल भाई, जंगल के पक्षियों ने आपकी पत्नी को कैद कर लिया है ताकि आप देर से हमारे जंगल में बारिश करें। देखें जाकर कितने ज्यादा चालाक पक्षी हैं वो। अरे बाप रे बाप, मेरी पत्नी, मैं उन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। फिर बादल अपने सारे बादलों के साथ गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जंगल में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? हमारे घर तो अभी तक बने ही नहीं हैं। बस फिर तेज बारिश होने के कारण पक्षियों के कच्चे घर टूट जाते हैं और पक्षियों का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की फसलों को तो काफी अच्छा खासा बारिश का पानी मिल रहा था। पक्षियों, तुम सब ने मेरी पत्नी को कैद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। छोड़ दो मेरी पत्नी को, वरना मैं ये जंगल बर्बाद कर दूंगा। बादल भाई, हम पक्षियों ने आपकी पत्नी को कैद नहीं किया, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? बस अब झूठ मत बोलो, मुझे कालू कौवे ने सब बता दिया है, अब मैं तुम सब पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। पक्षियों, बादल भाई अभी बहुत गुस्से में हैं, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये सब कुछ कालू कौवे ने किया है, जरूर उसी ने बादल की पत्नी को कैद किया होगा। बस तभी वहाँ से रानी कौवे जा रही थी। मीनू चिड़िया, वो देखो रानी कौवे जा रही है, चलो उससे पूछते हैं। रानी कौवे, रानी कौवे, इधर आओ, हमारी बात सुनो। फिर रानी कौवे पक्षियों के पास आती है। रानी कौवे, सच सच बताओ कि आखिर कालू कौवे ने बादल की पत्नी को कहाँ छुपा के रखा है, वरना आज हम पक्षी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ रानी कौवे, जल्दी बताओ कि आखिर क्या कांड किया है कालू कौवे ने। रानी कौवे पक्षियों का गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे अरे पक्षियों, ऐसे गुस्सा मत करो मुझ पर, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। सच तो यही है पक्षियों कि बादल की पत्नी को कालू जी ने ही कैद किया है। क्या, कालू कौवे ने ही मेरी पत्नी को कैद किया है? और कालू कौवा ही मुझे बेवकूफ बना रहा था, छोड़ूंगा नहीं मैं कालू कौवे को। देख लिया बादल भैया, कालू कौवा हमारे साथ कितनी बड़ी साजिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो पक्षियों, कालू कौवे ने तो मुझे यही कहा था कि तुम सब पक्षियों ने मेरी पत्नी को कैद किया हुआ है, परंतु अब मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। बस फिर वे बड़ा बादल अपने सारे बादलों को लेकर कालू कौवे की फसल के पास चला जाता है और कालू कौवे की फसल के पास आकर बिजली गिरा गिरा कर कालू कौवे की सारी फसल को जला के राख कर देता है। हाय रे, मेरी फसल, मेरी फसल, मैं तो बर्बाद होके रह गया, ये बादलों ने क्या कर दिया मेरे साथ। बड़ा बादल फौरन से कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, जल्दी बताओ मेरी पत्नी को कहाँ छुपा के रखा है, वरना इसी तरह तुम पर भी बिजली गिराऊंगा और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। बस फिर कालू कौवा डर के मारे बादल की पत्नी को आजाद कर देता है और सारे बादल वहां से चले जाते हैं। और अब इस तरह कालू कौवे की पूरी साल की मेहनत जाया हो जाती है और अब कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, एक न एक दिन उनके साथ भी गलत जरूर होता है। आज से 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। लगता है हर बार की तरह इस बार भी सभी पक्षी मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस बार जंगल में किसी भी पक्षी ने मेरे जन्मदिन की अभी तक तैयारी नहीं की है, और तो और कालू जी ने भी अभी तक मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या तोहफा देना है ये भी नहीं बताया है। लगता है इस बार जंगल में किसी भी पक्षी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है। रानी कौवे इतना कहती ही है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। चलो मैं किसी न किसी तरह कालू जी से पूछती हूँ कि 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, क्या उनको मेरा जन्मदिन याद है या फिर नहीं। कालू जी, आज से 2 दिन के बाद कुछ है, क्या आपको याद है या फिर नहीं। रानी, आज से 2 दिन के बाद क्या है, मुझे तो याद ही नहीं है, तुम ही बता दो कि आज से 2 दिन के बाद क्या है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, कालू जी को मेरा जन्मदिन बिल्कुल भी याद नहीं है। ये कालू जी मेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? बताओ रानी, आज से 2 दिन के बाद क्या है। कुछ नहीं कालू जी, कुछ भी नहीं है, आप अपना काम कीजिए।
मैं सब समझता हूँ कि आज रानी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। रानी को लगता है कि मुझे उसका जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन मुझे तो उसका जन्मदिन याद है। लेकिन मैं रानी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा और रानी को मैं सरप्राइज दूंगा। रानी, मैं जरा कुछ देर में आता हूँ, मुझे किसी काम से जाना है। ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लगता है कालू जी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। जबी तो इनको मेरा जन्मदिन याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जंगल के पक्षियों को तो मेरा जन्मदिन याद होगा और वे मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, देख लेना। कालू कौवे, क्या बात है, तुमने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है, आखिर क्या बात है? तोते, मुझे पता है कि कालू कौवे ने हम सब पक्षियों को क्यों जमा किया है। कालू कौवे, तुम हम सब पक्षियों से यही कहना चाहते हो ना कि आज से 2 दिन के बाद रानी कौवे का जन्मदिन है और हम रानी कौवे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएं, है ना? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम सब पक्षियों से यही बात कहने वाला था। लेकिन मीनू चिड़िया, मैंने और रानी कौवी ने तुम सब पक्षियों के साथ कितना गलत किया है। फिर भी मीनू चिड़िया, तुम्हें रानी कौवी का जन्मदिन याद है, मुझे तो ये बात सुनकर बहुत ही हैरत है। कालू कौवे, रानी कौवी ने हम सब के साथ जो भी किया, हम सब ने उसके लिए रानी कौवी को माफ कर दिया है और हम रानी कौवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और देखना कालू कौवे, हम रानी कौवे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम्हें याद है कि हमने पिछली बार रानी कौवे का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया था और हम सब पक्षियों ने रानी कौवे को कितने अच्छे अच्छे तोहफे भी दिए थे। हाँ हाँ कबूतर, मुझे रानी कौवे का पिछला जन्मदिन बहुत ही अच्छे से याद है। लेकिन मीनू चिड़िया, रानी कौवे मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि रानी कौवे को लगता है कि मुझे उसका जन्मदिन याद नहीं है। कालू कौवे, जब हम रानी कौवे को सरप्राइज देंगे तो उस पर जो तुम्हारे लिए गुस्सा है वे गुस्सा भी दूर हो जाएगा और रानी कौवे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मीनू चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि मैं रानी कौवे को तोहफे में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा घर दूँ। रानी कौवे की यही ख्वाहिश है कि रानी कौवे एक बहुत ही सुंदर से घर में रहे और मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाहिश मैं रानी कौवे की जरूर पूरी करूं। तो फिर ठीक है कालू कौवे, हम सब पक्षी मिलकर रानी कौवे के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाएंगे और वे घर हम रानी कौवे को सरप्राइज देंगे। तोते, तुम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखा घास जमा कर लाओगे और बुलबुल, तुम्हें तो रंग करना काफी ज्यादा अच्छा आता है, इसीलिए तुम घर को रंग करोगी। और कबूतर और कालू कौवे, तुम दोनों बुलबुल और तोते की मदद करोगे और तुम सब जो मुझे लकड़ियाँ लाकर दोगे उन लकड़ियों से मैं घर तैयार करूँगी। अगर हम इस तरह मिल बांट कर काम करेंगे तो हम घर जल्दी बना पाएंगे। लेकिन सभी पक्षी मेरी एक बात गौर से सुन लें कि रानी कौवे का इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम सब पक्षियों को ये पता है कि 2 दिन के बाद रानी कौवे का जन्मदिन है। अगर ये बात रानी कौवे को पता चल गई तो रानी कौवे का पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा, इसीलिए कोई भी पक्षी रानी कौवे को ये बात नहीं बताएगा। और अगर रानी कौवे आकर किसी पक्षी से पूछे तो हमें बिल्कुल ऐसे बनना है कि हमें पता ही नहीं है कि 2 दिन के बाद रानी कौवे का जन्मदिन है। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम में से कोई भी पक्षी रानी कौवे को कुछ भी नहीं बताएगा। चलो चलो बस, अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। फिर बुलबुल और कबूतर रंग लेने के लिए चले जाते हैं और कालू कौवा और तोता लकड़ियाँ और सूखा घास जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कालू कौवा और तोता सूखा घास और लकड़ियाँ जमा कर कर ले आते हैं। कालू कौवा और तोता तो लकड़ियाँ और सूखा घास जमा कर कर ले आए हैं। बुलबुल और कबूतर, क्या तुम दोनों भी रंग ले आए हो? हाँ मीनू चिड़िया, मैं और कबूतर दूसरे जंगल से रंग ले आए हैं। चलो ठीक है, तो फिर मैं अब इन लकड़ियों से घर बनाना शुरू कर देती हूँ। इतने समय से ये कालू जी कहाँ पर हैं? अभी तक नहीं आए, कहीं घूम रहे होंगे। चलो मैं इनको पकड़ कर लाती हूँ। फिर रानी कौवे कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रानी कौवे कालू कौवे को ढूंढते ढूंढते पक्षियों के पास आ जाती है और वहाँ पर कालू कौवा भी होता है।
कालू जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी कौवी, तुम यहाँ? मीनू चिड़िया अपना नया घर बना रही है, तो बस मैं मीनू चिड़िया के साथ उसका नया घर बनाने में मदद कर रहा हूँ। तुम सब पक्षी मुझे बताओ कि आज से दो दिन के बाद कुछ है। क्या तुम में से किसी भी पक्षी को याद है कि आज से दो दिन के बाद क्या है? नहीं रानी कौवी, हमें नहीं पता है कि आज से दो दिन के बाद क्या है। तुम खुद ही बता दो कि आज से दो दिन के बाद क्या है। मीनू चिड़िया, क्या तुम्हें भी याद नहीं है कि आज से दो दिन के बाद क्या है? नहीं रानी कौवी, मैं तो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है कि आज से दो दिन के बाद क्या है। इन सब पक्षियों में से किसी भी पक्षी को याद नहीं है कि आज से दो दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। इन सब पक्षियों को तो मैं अपना समझती थी, लेकिन ये सब पक्षी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। फिर वे रानी कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं। आज रानी कौवी का जन्मदिन था, लेकिन रानी कौवी को लग रहा था कि किसी भी पक्षी को रानी कौवी का जन्मदिन याद ही नहीं है। ये देखो तो कालू जी को कितने मजे से भोजन खा रहे हैं। इनको तो याद ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। और पक्षियों को तो देखो, सबके सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। यानी कि कोई पक्षी आकर मुझे मेरा जन्मदिन ही विश कर दे। वहीं दूसरी तरफ पक्षियों ने रानी कौवी के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली थी। और वहीं मीनू चिड़िया ने भी रानी कौवी का एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा घर बना दिया था। रानी कौवी का घर कितना सुंदर लग रहा है। बुलबुल ने रंग भी कर दिया है, जिसके कारण ये घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो अब मैं पक्षियों के पास जाती हूँ। पक्षियों, सारी तैयारी हो गई है। हमने रानी कौवी के घर को भी बहुत ही सुंदर बना दिया है और हमने केक भी मंगा लिया है। बस अब रानी कौवी और कालू कौवे को बुलाने का रह गया है। मीनू चिड़िया, मैं अभी कालू कौवे और रानी कौवी को बुला कर लाती हूँ। फिर वे बुलबुल रानी कौवे को बुलाने के लिए चली जाती है। बस अब बहुत हो गया है, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूँगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर अपनी माँ के जंगल में जा रही हूँ, और मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगी। कालू जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि इस जंगल में कोई भी पक्षी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसीलिए मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अरे अरे भाई, क्या हो गया रानी कौवी, तुम कहाँ जा रही हो? देखो ना बुलबुल, ये रानी कौवी कह रही है कि इस जंगल में कोई भी पक्षी रानी कौवी को प्यार नहीं करता है, इसीलिए ये जंगल छोड़कर रानी कौवी अपने माँ के घर जा रही है। रानी कौवी, तुम भले अपनी माँ के यहाँ चली जाना, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, इसीलिए तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधो। फिर बुलबुल रानी कौवी की आँखों पर पट्टी बांध देती है, और वे बुलबुल कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर पक्षियों के पास चली जाती है। अरे भाई बुलबुल, मुझे कहाँ ले आई हो? मेरी आँखों से पट्टी खोलो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर रानी कौवी अपनी आँखों से पट्टी खोल देती है। जब रानी कौवी अपनी आँखें खोलती है तो रानी कौवी अपना सरप्राइज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पक्षियों, तुम सबको मेरा जन्मदिन याद था, और कालू जी आपको भी मेरा जन्मदिन याद था। हाँ हाँ रानी, हम सबको तुम्हारा जन्मदिन याद था, हम भला तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं। फिर रानी कौवी अपने जन्मदिन का केक खाती है और सभी पक्षियों को अपने जन्मदिन का केक खिलाती है। रानी कौवी, अब केक खिलाना तो खत्म हो गया है। चलो अब हमें तुम्हारे जन्मदिन का एक बहुत ही बड़ा सा तोहफा देना है, चलो तुम हमारे साथ चलो। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को लेकर उसके घर के पास आ जाती है और रानी कौवी से कहती है, रानी कौवी, ये तुम्हारा घर है, हम सब पक्षियों ने मिलकर तुम्हें ये घर तोहफे में दिया है, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है रानी कौवी। रानी कौवी इतना बड़ा और इतना सुंदर घर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और रानी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मुझे तो लगा था कि तुम सब पक्षियों को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है, लेकिन तुम सब पक्षियों ने मुझे मेरे जन्मदिन पर कितना बड़ा तोहफा दिया है। फिर अब रानी कौवी और जंगल के सभी पक्षी
खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।